नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिटी फर्स्ट न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बीजेपी व जेजेपी के विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किया गया है। सभी विधायकों से मांग की गई है कि हरियाणा विधानसभा में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। किसानों ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सभी विधायक वोटिंग करें। किसानों ने हिसार जिले के बीजेपी व जेजेपी विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा। हांसी में बीजेपी विधायक विनोद भयाना, नारडोल में जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम, हिसार में बरवाड़ा से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग, उकलाना से बीजेपी विधायक अनूप धानक के आवास पर किसानों ने प्रदर्शन किया। देखिए, 10 तारीख को हरियाणा की विधानसभा के अंदर एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और जेजेपी और बीजेपी सरकार के खिलाफ जो जेजेपी और बीजेपी सरकार जो 281 किसान शहीद हो चुके हैं उन किसानों के लिए जो एक शब्द भी नहीं बोलना चाह रही, जो जेजेपी बीजेपी सरकार किसान जो लगातार 3 महीने से ज़्यादा समय दिल्ली के अंदर बैठे हैं उनके विषय में एक शब्द नहीं बोलना चाह रही, जो सरकार किसानों के ऊपर नाजायज तरीके से झूठे मुकदमे बना रही है, संगीन मुकदमे बना रही है, उस सरकार के खिलाफ में वोट डालने के लिए आज हम नारनूंद के पूरे हल्का से गांव-गांव से किसान और मजदूर आया है और ये मांग करी है। हमने जो है हमारे जो विधायक हैं माननीय रामकुमार गौतम जी से जोड़ी करके हमने उनका एक वोट मांगा है, क्योंकि 3-4 बार उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, हमने बार बार उनको वोट डाला है। आज पहली बार किसान मजदूर उनका एक वोट लेने आया है और वो वोट जो जनता की वोटों से ही उनका एक वोट बना है, इसलिए आज हम उनके घर के बाहर बैठे हैं और उनसे वोट की अपील की है कि किसान और मजदूर के पक्ष में वोट डालें ताकि इस आंदोलन को मजबूती मिले।